किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कसरे पोतेफार के बानो है मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए? जिसके पास ना वो पहले सी शान शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजनिश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज पहले से भी ज्यादा अजीज व मोहतरम। काश आप भी चलती। आज आमू ने होतब सॉन्ग की आखिरी रसूमात अदा की थी। जानती थी मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी, मिस्र की तमाम अशराफ सारियां वहां मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुगवार है, मजीद किसी और शोक के मुतहम्मिल नहीं। अब कल की रसूमात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ सादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में। नफरत, क्या आप नफरती थी? मिस्र की बानुए अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है, अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ देखा, उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमून होतब चारों खुदा अमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आप अमून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आजम और अजीज मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि अमून होतब चारन की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली नुमा होंगी। वो आमून और माबूद आमून पर बिल्कुल भी अक्कात नहीं रखते, ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा कर रही है। سرزمین نیلے مقدس کے خداو، اے مصر کے پوشیدہ اسرار و رموز کے خداو، اے آمون
खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमानरबाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दस, मिस्र को अजमत और एहराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा, हमारे जवान फरमानरबा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम रामे मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबल किस से इतिहा और मीनसानी और इजाज से लेकर शमार और सीला तक की हकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे। आफरीन स्मूथ, तुमने इस घर की तामीर में वाकई बड़ी महारत से काम लिया है। मैं पहले एक मेहमान हुआ करता था, मिस्र में काफी इमारतें तैयार कर चुका हूँ। हम सब भी तुम्हारी तरह हैं, ऐसी दुनिया की तामीर में लगे रहते हैं जिसे बाद में छोड़कर जाना पड़ता है। एक अहम खबर है यूजार्टी। इंसानों के लिए दुनिया की अहम तरीन खबर मौत और फना है, क्या ऐसा नहीं है? सही फरमाया आपने। आमून होतब सोम जहाने गर्ब कूच कर गए और अब उनकी जगह आमून होतब चारम तक नशीन हुए हैं। अभी अभी जब अशिया और दोनों शतरवा रहा था तो सिपाहियों से सुना है। तख्त हुकूमत हमेशा कायम रहता है, ये तख्त नशीन है जो तब्दील होते रहते हैं। एक रोज आमून होतब अव्वल तो, दूसरे रोज दोम, उससे अगले रोज सोम, और आज आमून होतब चहारुम। मैंने बचपन में उन्हें देखा था, उम्मीद है कि वो उन सबसे बेहतर साबित होंगे। सुन रहे हो स्मूथ, आमून होतब सोम भी आज अपना घर बार छोड़कर चल बसे।
हरकत करो। कौन हो? इतनी रात गए क्या चाहते हो? जनाब फार्मा नवाब, आमून होतब चारम की जानिब से आए हैं और जनाब आन खमाहू के लिए एक जरूरी पैगाम लाए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं जनाब पादी अमून को खबर करता हूँ। खैरियत, इतनी रात गए क्या काम? खुदावंदगार मिस्र, आमुन होतब चारम ने ख्वाब देखा है और आली जनाब आन खमाहू को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से कस्र में तलब फरमाया है। आप चलिए, मैं अभी जनाब आन खमाहू को मुतला करता हूँ। हरकत करो। अली जनाब, अगर आपकी तबीयत नासाज है तो मैं हुरम होप से माजत कर लेता हूँ कि आपकी तबीयत खराबी के बायस आज कसर में हाजिर होने से कासिर है। ना 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 ना, हमने आज तक अपने खुदावंद के अहकामात की बजावरी में लम्हा भर की भी ताखीर नहीं की है। अपने फराइज की अंजाम दही में बीमारी को जवाब बनाकर कोताही बरतना मुनासिब नहीं। वैसे मामला क्या है? मालूम नहीं, हुरम होप कह रहे थे कोई अहम काम हो। देख रहे हो आधी रात को किस तरह हमारी नींद हराम की है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जनाब आमून हो तब अपना ख्वाब सुबह मापुरों से बयान कर देते? किबुनी जा और चंद मुअब्बिनों को खबर करो और उन्हें हमारे पीछे फौरन रवाना करो। इताअत आली जनाब। आली जनाब पूतीफार और काहिन आजम आम खमाहू शर्त पे बारियाबी चाहते हैं। आप पर भी दुरूद हो। जनाब फरमानरवा सलामत रहे, क्या हुआ? उम्मीद है कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया होगा। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है, शायद बेहतर हो शायद ना हो। और मुमकिन है कोई ताबीर ही ना हो उसकी? ख्वाब फरमानरवा की ताबीर सरासर खैर और नेकी पर मबनी है। मैंने मुअब्बिनों को बुलवाया है, आते ही होंगे। जो कुछ भी है उसने मुझे परेशान कर दिया है। बिनरुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे। बिनरुस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? अलबत्ता तुम आपूबीस 3 दिन बाद तख्ताएदार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कब्बे न नोच डालें। युजार सिर्फ
वाह बिनारूस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुआबरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। वे मिस्र के नामी ग्रामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुई और साहिल पर चरने में मशगूल हो गई, फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें जमीन से नमूदार हुई और फिर इन कमजोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। जनाब फरमा रवा इजाजत दे दो, ये लोग एक दूसरे से मशवरा कर लें। जरूर करें, जितना चाहे मशवरा करें। खामोश क्यों है? फिलहाल तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह दो ये खाबी परेशान है। جناب آمون ہوتب کا خواب ایک ناقابل تعبیر خواب ہے، بے مقصد و بے معنی خوابوں میں سے ایک ہے۔ اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ میرے خواب کی تعبیر نہیں جانتے؟ ہر معقول آدمی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی با مقصد خواب ہے۔ جناب فرمان روا جانتے ہیں کہ ہمارے معبران باصلاحیت اور تجربہ کار ہیں، مجھے ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں۔ بے شک اگر جناب فرمان روا کے خواب کی کوئی تعبیر ہوتی تو یہ ضرور بتاتے ہیں۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے اور آپ لوگوں کو اس کی صحیح تعبیر دینی ہوگی۔ خود پر قابو رکھیے جناب فرمان روا، غصہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں جناب فرمانوا سے آپ کے لیے کچھ مہلت لے سکتی ہوں؟ بلا شبہ میرے خواب کی تعبیر ضرور ہے، لیکن ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں کہ میرے خواب کی تعبیر دے سکے۔ اب جبکہ بانوتی نے فرمایا، آپ لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، البتہ مجھے اپنے خواب کی تعبیر جلد از جلد چاہیے۔ کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے ہیں، کچھ تو کہہ دیتے ہیں، کم از کم یہاں سے تو نجات مل جاتی۔ چلو چلے۔ کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے کہ جناب یزار سے اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ لیکن نہیں نہیں، ان میں سے کوئی بھی یزار صاحب کا خیر خواہ نہیں ہے۔ بانوی محترم نے بھی تو بتانے نہیں دیا، اگر وہ اجازت دے دیتی تو میں ضرور بتا دیتا۔ وہ سمجھی ہوں گی کہ شاید تم خواب کی تعبیر دینا چاہتے ہو، تم نے کسی اور کو کیوں نہیں بتایا؟ کسی کو بھی بتا دیتے، یعنی کس کو بتاتا؟
पुतिफार को जिसने खुद ही युजार सेफ को जंदान में डलवा दिया, या फिर आखमाहू को जो उनके खून का प्यासा है। बहरहाल किसी भी तरह फरमा रवा को युजार सेफ की मौजूदगी का एहसास दिलाओ। हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। 7 साल पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। 7 साल पहले ही मुझे साबिक फरमा रवा अमून हतब स्वयं से युजार सेफ का जिक्र कर देना चाहिए था। मालूम नहीं कैसे भूल गया। उन्होंने मुझे यकता परस्ती की दावत दी, मेरे ख्वाब की क्या जची तुली ताबीर दी। उनका वो लुत्फ करम, वो मेहरबानी, वो मोहब्बत, उसके जवाब में मैंने क्या किया? मुझसे किए गए उनके एक छोटे से तकाजे तक को भुला दिया, अपने पैगंबर के तकाजे को। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा? बिना रुस वाकई ये गलती नाकाबिले माफी है। आखिर तुम कैसे उनके तकाजे को फरामोश कर सकते हो? इसमें शक नहीं कि शैतान मलाउन इस फरामोशी का सबब बना है, लेकिन मैं इस गलती का अजाला करूंगा। हाँ अजाला करूंगा। आसानी समझा जा सकता है कि गंदम के कोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की माने। ये 7 फरवा गाय ही गंदम की सब्ज भरी बालियां हैं, और लागर और कमजोर गाय वही गंदम की जर्द खुश बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें 2 ख्वाब 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें, ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचूं। अगर आज रात मेरे ख्वाब की ताबीर पेश न कर सके तो कल आप सब लोगों को। बिलाशुबा आपका ख्वाब एक बामकसद ख्वाब है, लेकिन ये लोग ताबीर बताने से कासिर हैं। अगर ताबीर मुमकिन न भी हो, तहकीर तो मुमकिन है। ये माबदे आमून के काहिनों और मौबरों के गुरूर को तोड़ने का बेहतरीन मौका है। आप चाहें तो अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए इसी तरह मुसर रह सकते हैं। मुझे भी इनसे ताबीर की कोई उम्मीद नहीं। बानो हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, तुम कहना चाहते हो कि आमून होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हुजूर। बीनारूस, तुम दखलंदाजी मत करो।
फरमारवा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें एक रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और मकबराने माँ बजे आमून जनाबे फरमा रवा से एक रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चारा जुई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाबे फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे पर। बेजा हिमायत मत करें काहिन आजम। ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिप्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भोंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की जरबों से इन्हें भोंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाबे आखमहू, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरख्वास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो। अब ये उसी वक्त आजाद होंगे जब ये मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है अब, क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा नहायत गुस्से में। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुअब्बिर को जानता हूं। बिना रोज तुम सब कुछ देख रहे हो, अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मुअब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। अली जनाब, हमें छोड़ दीजिए। इन्हें छोड़ दीजिए अली जनाब। बिना रोज आपको कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बिना रोज, सुन रहा हूं। मैं जनाबे फरमा रवा किस मुश्किल का हल जानता हूं। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी अली जनाब। कितने शर्म का मकाम है, जाएं और जाकर नील में डूब मरें। माबद आमून के नामी गिरामी जादूगर और मुअब्बिर बेबस हैं, और ऐसे में बिना रूस हमारा साकी इस मुश्किल का हल पेश करे। खूब,
तो वो कौन है बिनारूस? एक इब्रानी गुलाम जो फिलवक्त जिंदान में है। एक इब्रानी गुलाम कैदी? जनाब फरमारवा, जब मैं और आपो पीस कैद में थे, हम दोनों ने ख्वाब देखा। तब उसी जवान कैदी ने मेरे ख्वाब की ताबीर कैद से रिहाई बताई और आपो पीस को तख्ताए दार पर मसलूक किए जाने का बताया। दोनों ताबीरें ठीक 3 रोज बाद वकू पसीर हो गईं। बिनारूस, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि फरमारवा से मजाक का क्या नतीजा हो सकता है? इत्मीनान रखिए मेरे मालिक, इत्मीनान रखिए। ये क्या कह रहा है पुतिफार? पुतिफार, ये ठीक कह रहा है मेरे खुदावंद। मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूं। मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए तुम लोगों को कल तक की मोहलत दी जा रही है। चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले गायों के फसले की सी बू आ रही है। चले जाएं, मुझे कल तक अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। सुन लिया? वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त हॉरन हूप के साथ जिंदाने जावीरा जाएं और मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करें। उस कैदी का नाम क्या है? उस कैदी का नाम क्या है? इजार सीफ, लेकिन इब्रानी जबान में उसे यूसुफ कहते हैं। ये नाम मैंने कहीं सुना है। मेरा ख्याल है कि मैंने माजी में इस नाम का एक बच्चा जनाब पुतिफार के लिए खरीदा था। जिंदा ने जावीरा, जल्द चलो। क्या काम है? जनाबे के दामन से कहो, आमून होतब चहारुम की जानिब से पारनपुआ हॉरन हूप आया है। इंतजार कीजिए जनाब। फरमांदा हॉरन हूप तशरीफ लाए हैं, दरवाजा खोल दो। हरकत करो। रात गए, क्या चीज जनाबे फरमांदा को यहां खींच लाई है? परमरवा के हुक्म के आगे रात और दिन की कोई अहमियत नहीं। बिनारूस, अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजासी से मिलने आए हैं जनाबे फरमारवा के हुक्म से। ठीक है, चले।
खुदा जनाब इजासी पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद हो। कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? मैं बिनारोस, बिनारोस फरामोश का एहसान फरामोश। बिनारोस बस कर, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है, तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बिनारूस, खैरियत आज जिंदा नज़ावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युरासी की याद कैसे आ? बताऊंगा, बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतुब ने यहाँ भेजा है, एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान दिप्स आमून हुतुब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिनारूस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि सात कमजोर लागर गायें मोटी ताजा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के साथ सब्ज खुशे गंदम के साथ दर्द खुशों के तवसुस से खुश्क होकर खत्म हो जाते हैं। बाइज़्ने इरादा खालिक यक्ता, तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदाबंद मताज ने इसी रोज के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जवां मर्दी नहीं कि अदायगी कार्य खैर के लिए कोई उजरत या जमानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना, सात साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं, इन सात सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मानदा को जखीरा कर लें। इसके बाद सात साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे, जखायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के जमाने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर नहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊंगा। जाओ मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर, खुदा ने गदार, खुदा ने गदार, खुदा ने गदार, मैं जल्द वापस आऊंगा। हो ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज है। ये मोहरे आजिज हैं या तुम? जैसा काहिन आजम फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आजजी और नातवानी का एतराफ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहकीक से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी? मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ, मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून हो तब के ख्वाब की ताबीर न कर दे।
क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बिना रुख के ख्वाब की वाजे और सच्ची तुली ताबीर पेश की थी? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आंख माऊ, ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुदार से भी सही, इसमें कबाह क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मध्य मुकाबल अमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम जुजार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है, उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बिनारूस, ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मौबिर है। खूब, तो बताओ। इजाज सिर्फ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे, 7 साल फरावानी नेमत की दलील है, और 7 लागर गायें और 7 खोशा जर्द खुश्क, 7 साल कहे तो खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बिनारूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं अली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और जखीरा करें ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये रानी हल तो नहायत मुनासिब है, लेकिन गंदम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकती, तो फिर जखीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही, इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुखफी रखिए ताकि देखे कायनान माबद क्या करते हैं। बिला शुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनान माबद के वजूद पर एक कारी जर्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमाहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा।